साई राम चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड। आज हम अभी तक हम लोग 1 से लेके 60 तक की काउंटिंग सीख चुके हैं, ठीक है? अब हम उसके आगे का वीडियो आज देखेंगे और नंबर्स सीखेंगे, ठीक है? अब हम काउंटिंग में एंड की तरफ चल रहे हैं, ठीक है? अभी तक हमने स्टार्टिंग का सीखा, फिर मिडिल का सीखा, अब हम काउंटिंग की एंड की तरफ चल रहे हैं। मतलब हमारा 70 हो गया, उसके बाद में 80, 90 और 100, 3 लाइन और हमको सीखना है, ठीक है? आज हम 1 से लेके 60 तक की जो हम पहले सीख चुके हैं उसकी काउंटिंग करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, आप भी मेरे साथ में बोलेंगे, और 60 के बाद में 61 से लेके 70 तक की लाइन हम नई वाली है जो हम उसको सीखेंगे, ठीक है? उसके बाद में हम कुछ और भी सीखेंगे जो हमने पहले भी 60 वाली लाइन में सीखा था, ठीक है बेटा? तो आज हम सबसे पहले जो हमने अभी तक सीख लिया है उसको हम लर्न करेंगे, रिपीट करेंगे, और आप लोग भी मेरे साथ साथ में रिपीट करेंगे, ठीक है? रिपीटेशन से क्या होता है? रिपीटेशन से हमको जो पुराना जो हमने याद किया है वो भूलते नहीं है, और हम नया भी, नए के साथ साथ में पुराना वाला भी चलता रहता है, उसको हम भूलते नहीं, तो हमें डबल डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है? चलिए तो आज हम रिवीजन करते हैं, कहाँ से लेके 1 से लेकर 60 तक का, उसके बाद में 61 से 70 की लाइन हम सीखेंगे, नई है जो हमारे लिए, ठीक है बेटा? चलिए शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है? आप भी ऐसे ही लिख लेते हैं। वन, मैंने पहले से ही आपको लिख के रखा हुआ है जिससे कि टाइम वेस्ट ना, ठीक है? वन, टू, थ्री, बोलिए मेरे साथ, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30। आप भी मेरे साथ में बोलते रहें, ठीक है? तो बोलने से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50। यहां तक ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चों का हो चुका है 50 तक, ठीक है? अब हमको थोड़ा सा स्पीड से बेटा जल्दी जल्दी हमको लर्न करना है न्यू नंबर्स। 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60, 60। यहां तक मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है? अब यहां से सीखने के बाद में 60, 60 के बाद में हमारी न्यू लाइन शुरू होगी, न्यू नंबर शुरू होंगे। तो यहाँ पर क्या है, 60, 60। तो अब किसकी लाइन आएगी? 6 की लाइन आएगी, जो कि हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है? क्या होगा? 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 6,
6 66 6 7 67 6 8 68 6 9 69 7 0 70। यहां से हमने 7 0 70। आपको ये कुछ पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बच्चों को ये एंड वाला लिखना नहीं आता है। यहाँ पे अगर हमें 9 के बाद में 10 आता है तो हम यहाँ पर देखेंगे 10 20 30 40 50 60 70, ऐसे ही 80 90 और 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तब यहाँ क्या लिखना है, हमको नहीं मालूम है। आप कैसे पता करेंगे, यहाँ पे 10 है 20 है तो यहाँ पे 29 के बाद में 30 आ जाएगा, 39 के बाद में अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। आपको काउंटिंग याद रखना है 1 2 3 4 5 6 7 और सबके पीछे 0 लगा देना है। ठीक है, और इनको बोलना कैसे है वो मैं आपको बाद में भी सिखाऊंगी। ठीक है कि 10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 40 50 60 70। ठीक है, सबको टी टी लगाना है और उस नंबर को बोलना है, जैसे 6 T 5 T 7 है 7 T 4 है 4 T 3 है 30 2 है 20 1 है 10। तो इस तरीके से इसको जब यहाँ पर आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमने यहाँ पे 5 9 लिखा हुआ है और हम यहाँ तक 5 0 तक लिख चुके हैं तो 5 के बाद में 6 आता है, 6 लिखो 0 लिखो काम खत्म। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको अभी लर्न कर सकते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की और डरने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब हमने नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखा था, बिटवीन नंबर्स। क्या सीखा था, बिटवीन नंबर्स। तो आज हम न्यू नंबर जो हमने 61 से 70 तक के सीखे हैं उसी में हम बिटवीन नंबर भी सीखेंगे। ठीक है, उन्हीं नंबर्स के साथ में हम बिटवीन नंबर्स सीखेंगे। आज हमने कौन कौन से नंबर सीखे, 61 से 70। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मैंने यहाँ बिटवीन नंबर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 61 और बीच में खाली जगह छोड़ दिया और मैंने यहाँ लिख दिया 63 63। हमारे नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आपको जब इतना सारा सीख लिया तो आपको यहाँ भी आसान होगा सीखना। बीच का नंबर पूछा है, बिटवीन मीन्स बीच का नंबर। 61 के बाद में क्या आता है, 61 62 61 62। तो बीच का नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 62। बिटवीन नंबर कौन सा हो गया, 62। ठीक है, इसी तरीके से अब हम दूसरा कर सकते हैं, इन्हीं लाइन नंबर्स में से लेके। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 66 66 और 68 68। अब बताओ आप दोनों यहाँ पे 66 कहाँ लिखा है, 64 65 66 और 68 कहाँ लिखा है, ये लिखा है। 66 और 68 के बीच का नंबर कौन सा है, 67। तो हम यहाँ बीच में बिटवीन नंबर कौन सा हो गया, 67। अब दूसरा नंबर कोई सा भी ले लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर 65 ले लिया और उसके बाद में मैंने 67। अब हमें यहाँ पर स्केल में कौन सा नंबर ढूंढना है, सबसे पहला वाला क्या लिखा है, 65 65 ढूंढिए यहाँ पर 61 62 63 64 65। यहाँ भी 65 यहाँ भी 65, एक नंबर हमको ये मिल गया। अब 65 उसके बाद में कौन सा ढूंढना है, 67। तो हमने ये 67 ढूंढिए, दोनों के बीच का नंबर कौन सा है, 66 66। लास्ट एक और हम करेंगे, अभी मैंने यहाँ पे लिया 6 8 और 7 0 7। अब इसका आप बताइए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर ढूंढेंगे 6 8
तो 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ये हमको यहाँ नंबर मिल गया 68, ठीक है। अब हमको दूसरा नंबर कौन सा ढूंढना है, 7070, तो ये है 7070। अब दोनों के बीच का नंबर, बिटवीन नंबर, दोनों के 68 के और 70 के बीच का नंबर, दोनों के ये ऊपर हो गया ये नीचे हो गया, इन दोनों के बीच का नंबर कौन सा है, 69। तो यहाँ पे सेंटर में क्या लिख देंगे, बिटवीन नंबर कौन सा हो जाएगा, 69। ये हमारे हो गए, क्या हो गए, ये बिटवीन नंबर, क्या हो गए, ये बिटवीन नंबर। बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से नंबर पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा 61, 62 बिटवीन नंबर, 66 के बाद क्या आता है, 67, तो क्या हो गया, 67 लिखा, तो 66 और 68 का बिटवीन नंबर कौन सा हो गया, 68, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से अगर आपको नंबर्स की पहचान हो जाएगी तो बिटवीन नंबर और आफ्टर नंबर सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आप लोग ये दोनों सीख लेंगे, दोनों नंबर सीख लेंगे, उसके बाद हम आएंगे बिफोर में, किसमें आएंगे, बिफोर में, क्योंकि बिफोर में थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा, और जब हम बिफोर सिखाएंगे तब तक आप और भी थोड़े थोड़े से बड़े हो जाएंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी बिफोर नंबर सीखने में। लेकिन उससे पहले हमको क्या सीखना है, बिटवीन नंबर, क्या सीखना है, बिटवीन नंबर। हमारा आफ्टर नंबर कंप्लीट हो चुका है, अब बिटवीन पर है, इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है बिटवीन सीखना है, और एटलीस्ट 70 तक काउंटिंग सबको जल्दी से जल्दी आनी है, ठीक है बेटा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी हमें आगे बहुत सारी चीजें सीखनी है, ठीक है। इसी तरीके से एबीसीडी में भी है, अल्फाबेट्स में भी है, लूप्स बनाने की प्रैक्टिस करते रहे, जितनी जल्दी आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी मैं आपको लेटर्स लिखना सिखाना शुरू करूंगी, ठीक है। तो की प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए, और जब भी लिखेंगे आप इसको बोल कर लिखेंगे बेटा। अगर आप बिना बोले लिखेंगे तो आप बस एक सीक्वेंस में लिखते आएंगे, आपको पढ़ना या रीडिंग करना नहीं आएगा, रिकॉग्नाइज करना नहीं आएगा। इसलिए इसको आपको जब भी आप लिखेंगे, दो लाइन लिखे, तीन लाइन लिखे, जितनी भी लाइन लिखे, लेकिन प्लीज बोल कर लिखे, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे रीडिंग किया, आपने मेरे साथ रीडिंग किया, जिन बच्चों ने किया होगा उनका रिवीजन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और जरूरी नहीं इस वीडियो को आपने एक बार देख लिया तो दोबारा नहीं देखना है, आप एक ही वीडियो को अगर आपका मन करता है तो दो से तीन बार तक आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को हम जितना ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा हमको चीजें समझ में आएंगे कि मैम ने आपको क्या सिखाने की कोशिश की है, ठीक है। और आप सब लोगों ने सेंटा क्लॉज, बहुत सारे बच्चे बने हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, ठीक है। इसी तरीके से एंजॉय फेस्टिवल भी एंजॉय करिए, और साथ में अपनी स्टडी भी रेगुलर रखिए, ठीक है, और मम्मी पापा का कहना मानिए, ठीक है बेटा। वीडियो को देखिएगा और उसका रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग, बाय बच्चा, बाय टू।